नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने संन्यास की अटकलों को किया खारिज। टी20 फॉर्मेट में अभी खेलते रहना चाहते हैं शाहिद। टेस्ट और एक दिवसीय प्रारूप से पहले ही ले चुके हैं संन्यास। पीसीबी ने कहा फेयरवेल मैच की कोई जरूरत नहीं। जल मैदान पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ वापसी करेंगे वीरेंद्र सहवाग। किंग्स इलेवन पंजाब के कोच पद से संजय बांगर ने दिया इस्तीफा। बांगर की जगह वीरेंद्र सहवाग को मिल सकती है कोच पद की जिम्मेदारी। अब सीनियर विश्व कप पर जूनियर हॉकी टीम की नजर। जूनियर हॉकी कप्तान हरजीत सिंह ने कहा सीनियर टीम में प्रवेश कर विश्व कप 2018 में जीत हासिल करना है लक्ष्य। FIH विश्व कप 2018 का मेजबान है भारत। बंगाल के पंकज शॉ ने खेली रिकॉर्ड नाबाद 413 रन की पारी। बंगाल क्रिकेट संघ के 3 दिवसीय प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में कर दिखाया कारनामा। 3 दिवसीय कैब लीग में 400 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। डिफेंडर योगेश को सौंपी गई दिल्ली फुटबॉल टीम की कमान। 71वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के उत्तर क्षेत्र के मुकाबलों के लिए नियुक्त किया गया कप्तान। 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा टूर्नामेंट का आयोजन। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।